कक्षा नवी के सभी विद्यार्थियों, आज अपन है ना हिंदी का वार्षिक परीक्षा का देख लीजिएगा सेट सी समझेंगे। पूरा पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूँ, आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लो। मेरी जवाबदारी आपको अच्छे नंबर दिलाने की, तो ये पेपर आप करके जाओगे ना तो गारंटी ले लूँ मैं 60 से 65 नंबर पक्के हैं हर बच्चे का, है ना। सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? तो सुमित्रा नंदन जो पंत है ना वो छायावाद के कवि माने जाते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना कांट की घंटिया, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। तिब्बत में अधिकतर जमीन किसको दे दी जाती है? जागीरदारों को, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के होते हैं 3 भेद। मृदुला गर्ग की जो रचना है वो कौन सी है? मेरे संग की औरतें, ये हो गई मृदुला गर्ग की रचना। कोयल तुम किसका संदेश देना चाहती हो? देखो कोयल जो है ना वो, ठीक है भैया, प्रेम का संदेश देना चाहती है। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहां आलंबन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिमान में कौन सा प्रत्यय है? देखो अभिमान जो है ना उसमें मान प्रत्यय है क्या, ठीक है। उमा ने किसकी परीक्षा पास कर ली थी? तो BA की, ठीक है, बेकार आदमी की कर ली थी उनने परीक्षा, है ना भैया पास। लो एकांकी में कितने एपिसोड होते? तो एक एपिसोड होता है। आपने देखा हो नाटक, उनको पिछले एपिसोड में ये देखा फलानी सिंह ढीमके सिंह के साथ भाग गई, ये हो गया। पिछले एपिसोड में ये हो गया, उसकी सासू ने उसकी बहू को डरा दिया, तो वो क्या है? ये एकांकी में कितना, एकांकी जो होती है ना एक ही एपिसोड की होती है, और नाटक जो होती है अनेक एपिसोड की होती है। महादेवी को एक कविता के पार्ट पर उसको कितने मिले थे? चांदी का कटोरा मिल गया था। मेरे को तो नहीं दिया था भैया, कहीं मालूम किसको दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो, चारू चंद्र की चंचल किरणें में अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। बिहार, बिहार का जाएगा जाबीर हुसैन। मात्र ही भर में को इस तरह का है ये, तो मात्र ही भर आपका है निपात शब्द। प्यारे लाल शर्मा स्वतंत्रता सेनानी नाटक सम्राट जय शंकर प्रसाद माने गए। संसाधनों का क्या हो रहा है? अपव्यय हो रहा है। छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। दोहा जो है मात्रिक छंद है। एक टोपी पर 2500 जूते न्यूछावर होते हैं, असत्य बात है। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, रश्मि का मतलब होता है रात, ठीक है। तो ये आपका चौथा जो है, सॉरी, किरण का पर्यायवाची रश्मि है, तो ये आपका सत्य रहेगा, रोशनी होता है मतलब। उमा के व्यक्तिगत और में साहस की कमी थी, तो ये आपका असत्य रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। मरकट के खुले डिब्बे के जैसा क्या है, ठीक है। पर्वती ग्राम, स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं विभाव। महादेवी के परिवार में हिंदी को कौन लाया? महादेवी की माताजी। ठीक है। और उपसर्ग शब्द में कहां जुड़ता है? शब्दांश के पहले या फिर शब्द के पहले। विवाह को बिजनेस कौन कहता है? गोपाल प्रसाद। नाटक
नाटक में कितने अंक होते हैं? नाटक में होते हैं अनेक अंक। अब अगला जो क्वेश्चन है यहां से अपन है ना अगले वीडियो में मैं इसको समझाऊंगा आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा है ना, पूरी जवाबदारी है यहां से क्वेश्चन आप समझ लीजिए। जब तक भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखनी है आपको, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है, ठीक है, ब्रज भूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त है, कोयल की कुक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, सुविधा और मनोरंजन के उपकरण से बच्चे वंचित क्यों है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, महाकाव्य किसे कहते हैं, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं, सुविधा और मनोरंजन के उपकरण से बच्चे वंचित क्यों है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, ठीक है, और महाकाव्य किसे कहते हैं, हिंदी के दो महाकाव्यों के नाम लिखना है, रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देना है, छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार आपको बताने हैं। यहां से देखिए जीवनी तथा आत्मकथा में दो अंतर बताना है, निबंध किसे कहते हैं, ठीक है, यहां से क्वेश्चन नंबर 14 है ये, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में इंगित किया गया है, इसके बाद में अगला देखते हैं, ठीक है, तो ये अगला है आपका संधि और समास में अंतर, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताना है आपको, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, हो गया यहाँ से अथवा हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ से देख लीजिएगा आप, तो बढ़िया से कंप्लीट करिए है ना, हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, तो मेहनत करिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। ये देख लीजिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है ये, और क्वेश्चन नंबर